ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी हिम्मत भी और ताकत और पागल। जूनियर टाइगर भी है स्मार्ट। क्या टाइगर और जोया का खून दिखाएगा कमाल? क्या चिनोय सर चले जाएंगे रॉस से? क्या अगले मिशन की दी जाएगी टाइगर 3 में हिंट? टाइगर इंडिया के एजेंट और जोया पाकिस्तान की एजेंट, ऐसे में उनका बच्चा भी खून से होगा तो एजेंट ही ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि जूनियर टाइगर वो मामूली बच्चा नहीं होगा जो किडनैप होने पर डर जाए। वो शांत बैठने वालों में से थोड़ी है। अगर वो भागने की कोशिश नहीं करेगा तब ऐसा लगेगा कि शायद इसमें खून ही नहीं है एजेंट्स का। इसलिए किडनैपिंग के बाद अपनी और टेररिस्ट की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन खुद जूनियर टाइगर अपने बाप तक पहुंचाने वाले हैं। दरअसल जब जूनियर टाइगर को बांध कर रखा होगा तो सबसे पहले तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि उसे खोल दिया जाए। तब बच्चा है, क्या ही कर लेगा समझ कर उसे खोल दिया जाएगा। फिर सबसे पहले जूनियर टाइगर पिज्जा खाने की जिद करेगा जिससे टेररिस्ट को मानना ही पड़ेगा उसकी बात को। आखिर बच्चा जो है, अब जूनियर टाइगर एक खास टॉपिंग यानी कि ऑलिस प्लस पाइनएप्पल प्लस मशरूम की टॉपिंग मंगवाने वाला है। अब आप सोचेंगे कि इस मिशन में खाने का मेन्यू क्यों आ गया है, तो जरा रुकिए। टाइगर का धमकाने के लिए उसे खबर दी जाएगी कि जूनियर टाइगर को किडनैप कर लिया गया है। तब टाइगर सबूत के तौर पर जूनियर टाइगर की वीडियो मंगवाएगा। उस वीडियो में बहाने से जूनियर टाइगर ये कहेगा कि डैड आप चिंता मत करो, ये लोग मेरा ध्यान रख रहे हैं, इन्होंने पिज्जा हट से मुझे थिन क्रस्ट वाला पिज्जा विद ऑलिव्स प्लस पाइनएप्पल प्लस मशरूम की टॉपिंग भी लाकर। क्या अभी भी नहीं समझे? जी हाँ, ऐसी अजीब टॉपिंग का ऑर्डर हर कोई थोड़ी देता है। इसलिए टाइगर पिज्जा हट को हंट करेगा और जहाँ पर पिछले 24 घंटे में ऐसा ऑर्डर दिया गया हो बस उस पिज्जा हट से डिलीवरी एड्रेस पता चल जाएगा और उस एड्रेस से जूनियर टाइगर का पता चलेगा। अब देखिए जूनियर को कितना भरोसा होगा कि टाइगर पहचान ही लेगा उसका कोड वर्ड, और टाइगर अपने होशियार बेटे की हिंट एक्चुअली में समझ भी लेंगे। टाइगर कहेंगे भी एजेंट का बेटा, इसलिए उन्हें टेररिस्ट की लोकेशन भी पता चल जाएगी और जूनियर के साथ साथ उन बाकी के बच्चों की लोकेशन भी, जिसे वो उन्हें बचाने का प्लान भी बना पाएंगे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि शिनोय सर और टाइगर में भी कुछ दिक्कतें आएंगी। जी हाँ, गिरीश जी जो ये किरदार निभाते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका 2019 में देहांत हो चुका है और मेगाज उन्हें रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए टाइगर 3 में ये दिखाया जाएगा कि शिनोय सर मिशन छोड़कर रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि वो देश को छोड़ नहीं सकते और डिपार्टमेंट के लगाए हुए टाइगर पर इल्जाम के चलते उस पर शक भी नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट यही इल्जाम लगाएगा टाइगर पर कि उसका एजेंट गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और अब टाइगर के इतने साल अलग रहने के बाद शायद अब उसमें वो बात नहीं रही। टाइगर 3 जिस पॉइंट पर एंड होगी उससे ये पता चलेगा कि इसका अगला पार्ट क्या होगा। ऐसे इसलिए क्योंकि टाइगर 3 के अंत में हो सकता है जोया मुसीबत में फंस जाए। टाइगर और जोया के बीच पूरे टाइम दिक्कतें तो रहेंगी मगर एंड में सब सही होता दिखेगा, लेकिन अंत तक आते आते शायद कटरीना को मुसीबत में दिखाया जा सकता है जिसकी वजह से टाइगर 4 की हिंट भी मिल सकती है। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं टाइगर 3 के लिए। लाइक और शेयर करना ना भूले बॉलीग्राड स्टूडियोज के वीडियोज को। सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ काम करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें।